प्रदेश भर में जहां एक और सात निश्चय योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, वहीं इन योजनाओं को लेकर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आता रहता है। भ्रष्टाचार का नया मामला गया के इटारा पंचायत के वैजगन बिघा गांव का है, जहां स्थानीय लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए पंचायत के कई सदस्यों को घूस तक देना पड़ रहा है। एक जनप्रतिनिधि ने पंचायत सचिव को फोन किया तो पंचायत सचिव ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन भ्रष्टाचार की सारी कलई खुल जाएगी। पंचायत सचिव ने जनप्रतिनिधि से साफ तौर पर कहा कि अगर उनके वार्ड में आगे का काम करवाना है तो पहले किए गए कामों के बदले कमीशन दे दीजिए। जब जनप्रतिनिधि ने पंचायत सचिव से कहा कि ऐसे में तो विकास का काम रुक जाएगा, तो फिर जवाब दिया कि विकास करवाना है तो कमीशन देना ही पड़ेगा, यह सभी लोग देते हैं। मेरा समस्या यही है कि बजन विहा गाँव में अभी तक ना नली हुआ, ना गली हुआ, ना और नल जल का कार्य भी अधूरा ही पड़ा है। हमने पंचायत सेवक से स्पष्ट बात की है मोबाइल से कि सर मेरा राशि दिया जाए काम करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला है, मेरा मोबाइल में रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला कि जितना पैसा मैं दिया हूँ उसका हमको पहले कमीशन दीजिए, तब आगे कार्य करने के लिए पैसा दूंगा, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इसी के चलते पैसा रुका हुआ है मेरा। कितना काम मिला था, क्या क्या? 2,50,000 रुपया मिला है उसका, उससे अभी बोरिंग और मोटर डाल चुका हूँ। क्या प्रोजेक्ट था, क्या करना था काम में, कितना काम में, का था काम टोटल करना? काम में यही था सर, नल जल बोरिंग का और बोरिंग का था और उसे मोटर डालने का था। एक बजट बना होगा ना कि कितना लाख का टोटल था, कितना काम? 2.5 लाख रुपया था, 2,50,000 टोटल मिल गया जी। टोटल नहीं मिला, मतलब 2,50,000 इस्टीमेट था, 15 लाख का, 15 लाख कुछ रुपया का था इस्टीमेट के धरे जाने था ना। अभी पैसा मांग रहा हूँ, नहीं दे रहा है पंचायत सेवक। ये क्या है? ये है सर, ये सब हमारे, ये हमारे पत्नी वार्ड सदस्य है, इसका नाम पिंकी देवी है, और ये हमसे छिपाया गया वार्ड सदस्य को, ये जो है सर कि छिपाया गया किताब कि वार्ड सदस्य अगर जान जाएगा तो तेज तराज हो जाएगा, इसमें अंतिम में भी लिखा हुआ और इसके पेज में भी लिखा हुआ है। मैं पंचायत सेवक से बात किया कि हमको सहयोग करिए, तो बोलता हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, मोड़ के रखा था। हाँ हुआ कि मुखिया एवं पंचायत सचिव सब मिल करके वार्ड में मिलजुल करके काम करेगा, सहयोग करेगा वार्ड को, और उनसे जब बोलता हूँ पंचायत सचिव से तो बोलता है कि से मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम है पैसा ट्रांसफ़र कर देने का, मेरा कोई सहयोग करने का नहीं है, आप जिसे करना है जैसे कराना है तैसे करिए, हम जितना पैसा देते हैं उतना के पैसा हमको चाहिए। कितना कमीशन मांगता है? कमीशन वो बात अभी खोल के बताया नहीं कितना हमको चाहिए सर। फिर भी जनरली लोग क्या मांगता है? लोग जैसे मुखिया का 10% और पंचायत सेवक का 5% ऐसे ही सब का है। और कौन कौन अधिकारी का शामिल है इसमें परसेंटेज? जी और भी है। कौन कौन अधिकारी पैसा डिमांड करते हैं? मांगते तो नहीं कोई सर, लेकिन लोग फिर भी दे देते हैं उसको कि काम हमारा हो जाए, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यह शिकायत किसी एक वार्ड की हो, इलाके के कई वार्डों के लोगों का सीधा आरोप है कि यहाँ सात निश्चय में खोर लापरवाही और घालमेल किया जा रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर राजधानी पटना में सरकार सात निश्चय को तय समय सीमा में क्रियान्वित कराने का निर्देश देती है, वहीं दूसरी ओर राजधानी से बाहर कई जिलों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं जब इस भ्रष्टाचार को लेकर जिले के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। मैं रविशंकर सिंह, बोधगया प्रखंड, इलरा पंचायत, वार्ड संख्या 1, मैं वार्ड सदस्य हूँ, और मुझे मुखिया पंचायत सेवक लोग जो है कि हमें राशि स्थानांतरण नहीं कर रहा है, कारण सब जगह 30% और 20% का मामला चल रहा है, हम देने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फंड जो है कि दे ही नहीं रहा है। 2 लाख दिया जिसमें हम बोरिंग करवाएं, और बोरिंग करवा करके हम बैठे हुए हैं, बाकी राशि मांगते हैं, तो कभी कहते हैं कि जेई से लिखवा के लाइए, कभी कुछ से लिखवा के लाइए, और जब जेई से लिखवा के दिए कि हमें फंड ट्रांसफ़र किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि अपना खाता खाली करके दूसरा को दे दिए जिसको ज़रूरी नहीं था, और हम ऐसी 2 लाख लेकर बैठे हुए हैं,
अब जब मिलेगा तो काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी आगे हाल में दिन है जिसका हम पेपर का कटिंग रखे हुए हैं, वो कहीं कि वार्ड सदस्य जो शिथिलता बरतता है उसको इस कार्य से मुक्ति दिया जाए। पंचायत के जो है और दूसरे प्रतिनिधि उप मुखिया के साथ मिलकर करेंगे, लेकिन जो मुखिया और जो पंचायत सचिव लापरवाही बरत रहा है उसके प्रति वो क्या कर रहे हैं ये बताएं। न कहीं सुनता है, न प्रखंड में सुन रहा है, न कहीं सुन रहा है। मुखिया जो है कि ऐसा दमंग है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी बात नहीं मानते हैं। और कौन है? हरे कृष्ण प्रसाद यादव, जो पूर्व में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। और क्या क्या बात हुई है? ऑडियो भी कुछ बातचीत हुई है? ऑडियो में हमारे पास में एक जो है जेई थे जिनको अब हम बदल दिए हैं, उनका नाम है राजीव रंजन। उनका कहना था कि सारा काम जो है कि मुखिया कर रहा है, बाढ़ का सिर्फ नाम है, दुनिया में चोर कौन नहीं है, आप जो इतना साथ बने हुए हैं काम मुखिया को दे दीजिए, नहीं तो आप ऐसी टप्पल खाते रहिएगा। हम क्या हम टप्पल खा लेंगे, लेकिन हम मुखिया को काम नहीं देंगे करने, काम हम अपने से करेंगे। जो काम हमारा जनता खुश नहीं होगा वो काम से हम कैसे खुश हो जाएंगे, इसलिए हम उसको उनको जो है कि काम नहीं करने दे रहे हैं। हम अपने से काम करेंगे, जो भी करेंगे हम अपने करेंगे। गया से मनोज कुमार के साथ स्नेहानंद की रिपोर्ट, एटीएन लाइव पटना। कि अगर ये किताब चल जाता है बाढ़ सदस्य के हाथ में तो बाढ़ सदस्य तेज हो जाएगा, फिर हमारे हाथ नहीं आवेगा, इसलिए इसको दाब दिया गया। ये पंचायत सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जितने भी प्रतिनिधि हैं वो आके बताएं कि हम लोग को ये किताब उपलब्ध क्यों नहीं करवाएं।